हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दें। और आज का व्लॉग जैसा कि आप टाइटल से देख ही चुके हैं, बेसिकली आज का जो बेशतर व्लॉग है वो जर्नी ही है, सफ़र का ही है, जो कि हम लोग अभी शोग्रान से वापस नीचे जा रहे हैं केवाई की तरफ। और इससे पहले के जो ब्लॉग्स हैं चैनल पे मौजूद हैं, अगर आपने नहीं देखे तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, रास्ता जो है आपके सामने है। जब हम लोग शोग्रान जा रहे थे तो तब शाम हो चुकी थी और ऑलमोस्ट जो था अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से वीडियो जो है मैं नहीं बना पाई थी। मैंने ये कहा था कि मैं वापसी पे ज़रूर रास्ते की बना लूँगी, तो कुछ रास्ता जो है वो ख़राब हो चुका है, रोड उसकी नहीं है ठीक। और बाकी जो है इस तरह की आपको रोड मिलेगी ऊपर शोग्रान तक रास्ते में। तो ओवरऑल जो है रोड वैसे तो पतली सी है लेकिन बेहतर है, अच्छी है। और मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप केवाई में अपनी गाड़ी पार्क करके इन जीप्स पे ही, जो 4x4 होती हैं, इन पे ही आएँ तो बेहतर है। अपनी जो आपके पर्सनल व्हीकल्स वगैरह होती हैं तो आप उनको मत ही लेके आएँ तो अच्छा है। इससे ये होता है कि कई दफ़ा सम टाइम ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि गाड़ी का मोड़ नहीं मुड़ रहा होता है या कोई सो मसला हो सकता है, तो बाकी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, जो बाकी जीप वाले होते हैं तो उनको भी मसला होता है फिर, तो बाकी लोगों के लिए भी हम जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं फिर ना चाहते हुए भी, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। तो अभी हमारा प्लान जो है वो ये है कि हम वापसी पे जाते वक्त यहाँ पर से बालाकोट जो है वहाँ पर स्टे करें अपना, और वहाँ पर देखेंगे हम होपफुली जाएंगे दरिया कुनहार दोबारा, और वहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डे हमारा प्रोग्राम है वापस का, जहाँ से फिर हम नेक्स्ट जाएंगे उसका भी मैं व्लॉग शेयर करूँगी। हानपुर डैम का इरादा है तो वहाँ पर जो है उसका व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो अब मैं आपको रोड दिखा रही हूँ, बहुत ही हसीन खूबसूरत सा रोड बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप भी। और ख़ास तौर पर ये जो मोड़ आते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं और मंज़र बहुत ही हसीन है, ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। और जो जो हम नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बहुत राइज़ होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ठंड थी और नीचे जब जो जो हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो रास्ते की जो खूबसूरती है वो भी बहुत ही हसीन लगती है और दिल करता है कि इंसान इन्हीं मनाजर को देखता ही रहे। बहरहाल तो मैंने इसीलिए थोड़ी सी वीडियो बना ली, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँगी कि कितना प्यारा ये सीन लगता है। और यहाँ पर आगे जाकर साइड पे हमने जो थी जीप रुकवा कर थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा व्यू था तो साइड पे करके जहाँ पर कोई स्पेस थी वहाँ पर ही रुकवाई। ऑफकोर्स सड़क जो है वो पहले ही तंग है, तो आप भी ऐसा क्या करें, अगर आपने गाड़ी रोकनी है इन इलाकों में तो आप बिल्कुल साइड पर ही रोकें, और आई एम श्योर कि आप लोग ऐसा ही करते होंगे ताकि जो रोड है वो ब्लॉक ना हो और बाकी लोगों जो है उनको जो मसला ना कोई हो। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जीप रुकवा कर तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी जो है मैंने सोचा कि वीडियो बना ली जाए, क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यू था। आप देख सकते हैं बादल, आसमान, फिर दरख्त और जो मिट्टी के या पहाड़ बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं पत्थरों के। और सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अल्लाह ना करे लैंड स्लाइडिंग का भी मसला हो जाता है कि ये यहाँ से जो है पत्थर वगैरह गिरना शुरू हो जाते हैं, तो इससे भी आप बच के रहें तो बेहतर है। बाकी अल्लाह ताला हमें ऐसी आफात से महफूज रखे, आमीन। तो ऑलमोस्ट हम लोग केवाई पहुँच चुके हैं, नीचे जो आप रोड नज़र आ रही है आपको, और इसके अलावा जो सारा एरिया है ये केवाई का है। यहाँ पर अब जीप जो है वो वापस हो जाएगी और हमने जो गाड़ी पार्क की थी वो वापस ले लेंगे और इधर से आगे अपना जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और ये बहुत खूबसूरत देखें सीन लग रहा है, बहुत ही प्यारा मंजर है ये। तो गाड़ी वगैरह जो है वापस ले ली है, और ये हम लोग के वाई पे जो आबशार कैफ़े है वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है। जो मैं नाश्ते की मैंने आपसे बात कही थी वो इसी वक्त कही थी जहाँ से हमने नाश्ता किया था, इस वक्त ऊपर से नहीं जब नीचे हम लोग आए थे तो यहाँ पर नाश्ता किया था। मैं नाश्ते की जो पिक्स हैं वो भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। तो नाश्ता कर लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बालाकोट की तरफ, और होपफुली हम लोग वहीं पे स्टे करेंगे आज, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी।
तो जनाब इसके बाद हम लोगों का प्लान था कि हम रिवर को नहार भी जाएं, और मैं थोड़ा सा जो है उसका वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में भी। तो बस अभी तकरीबन हम लोग बालाकोट सिटी में एंटर होने ही वाले हैं, और पहुँच चुके हैं हम एंटर सिटी में। ये आप देख सकते हैं ये ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, और इसके नीचे से जो है दरियाए कुनहार गुजर रहा है, और मैं आपको इसका भी व्यू दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अभी इसकी जो रवानी है वो इतनी तेज़ नहीं है, ये आगे मई जून जुलाई में और भी तेज़ हो जाएगा। पानी की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है तो अच्छी लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा सुनकर। वेल तो ये हम सिटी क्रॉस कर रहे हैं, और इससे आगे जो है तरना जो है उस जगह पर आपको होटल्स मिल जाएंगे अगर आपने स्टे करना है बालाकोट में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था व्लॉग में, तो आप तरना के जो प्लेस है तरना वहाँ पर आपको होटल्स जो है मिल जाते हैं। तो वो सभी होटल पहुँच कर और फिर हम लोग निकलेंगे रिवर कुनहार की थोड़ी सी सैर करने के लिए। तो मैं आपको सभी क्लिप शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पानी है, और यहाँ से ही मैंने लाइव जो है वीडियो अपना जो व्लॉग है लाइव यहीं से किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन सिग्नल प्रॉब्लम था काफ़ी, तो वीडियो इतना क्लियर नहीं आया था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो क्लिप में भी ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा आपने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।